अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऐसी लड़कियों को कैसे पहचान सकते हैं जो खुद को फिंगर से या चॉइस से डिस्चार्ज करती हैं? इनमें क्या क्या निशानियां होती हैं? इनकी शर्मगाह को और इनकी सेहत को इससे क्या नुकसान होता है? तो आज हम इन सब बातों पर डिस्कस करने वाले हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो मैं हूं डॉक्टर आलिया आहद और मैं एक सेक्स काउंसलर हूं और मैं अपनी वीडियोस के ज़रिए आपके सेक्सुअल इश्यूज़ का हल बताने की कोशिश करती हूं, जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल आज का आलिया आहद पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सी ऐसी खवातीन होती हैं जिनके शौहर इनके साथ नहीं रहते। इनकी गैर मौजूदगी की वजह से इनमें जब शहवत हो जाती है या कोई ऐसा ख्याल आ जाता है जिससे उनके अंदर शहवत उभरती है, हम बिस्तर की ख्वाहिश बढ़ जाती है, या फिर कोई ऐसी वीडियो, ऐसी पूर्ण मूवी का क्लिप देख लिया हो जिसकी वजह से इनकी बॉडी इनको रिस्पॉन्ड करने लग जाती है, इनमें फीलिंग आने लग जाती है। जिस तरह लड़के मुस्तनिक करते हैं, बिल्कुल इसी तरह लड़कियाँ भी फिंगरिंग करती हैं। फिंगरिंग कैसे करती हैं, ये भी एक स्पेशल मेथड है जो उमूमन लड़कियां करती हैं। इनकी शर्मगाह के ऊपर यानी क्लिट के ऊपर बिल्कुल बारीक सी झिल्ली होती है जिसको ये लड़कियां रब करती हैं, मसलती हैं, जिससे इनको सुकून और प्लेजर मिलता है, या फिर क्लिट को मसलती हैं। क्लिट यानी जो मटर जैसा दाना इनकी शर्मगाह की सुराख के ऊपर होता है। ऐसा करने से औरतें खुद शहवत पूरी कर लेती हैं, या फिर वो अपने फिंगर्स को हल्का सा पैंट करके इनको अपनी शर्मगाह के सुराख में डालकर अपने जी स्पॉट को इंटरेक्ट करती हैं, इनको रब करती हैं, जिससे इनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ऐसा करने से इनकी शर्मगाह से रतूबत बह जाती है, जिसको ऑर्गेज़म या डिस्चार्ज कहते हैं। ऐसी औरतें ख्यालों में महसूस करती हैं जैसे कोई मर्द इनके साथ सेक्स कर रहा है। ऐसे में वो अपने जिस्म और ख़ास तौर पर अपने ब्रेस्ट को दबाती हैं, सहलाती हैं। अब बात करते हैं ऐसा करना राइट है या रॉन्ग है, सही है या गलत है। तो देखिए, अगर कोई मैरिड खातून जिसका शौहर इसके साथ नहीं रहता, इसको शहवत उभर आती है, इसका दिल सेक्स के लिए मचल जाता है, तो ऐसे में फिंगरिंग करना, किसी किस्म के ट्रॉय या वाइब्रेटर का इस्तेमाल करना इसके लिए नॉर्मल है, क्योंकि वो अपने शौहर के अलावा किसी और के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहती या ख़ुद को बचाना चाहती है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होता है, क्योंकि मर्द के साथ सेक्स करने से वक्ती तौर पर शहवत कुछ दिनों के लिए मर जाती है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनका शौहर इनके साथ मौजूद है और जब चाहे कर सकती हैं। लेकिन इस आर्टिफिशियल मेथड से यानी फिंगरिंग या टॉयस के इस्तेमाल से शहवत में इजाफा होता है और इनका दिल बार बार ऐसा करने को करता है, जिसके बाद वो किसी और मर्द से इंटरेक्ट होने में देर नहीं लगाती, क्योंकि इनको शहवत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी सूरत में अगर लड़की शादी से पहले ऐसा करती है तो उमूमन उसको डर होता है कि कहीं शादी के बाद इनके मर्द को मालूम ना हो जाए कि ये वर्जिन नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिंगरिंग या वाइब्रेटर से हाइमिन यानी सील नहीं टूट सकती। ये मज़ा सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर को होता है। जब तक आप शर्मगाह में कोई चीज़ ना डालें, क्योंकि डालने वाले ट्वाइस या डोडस आपके अंदर की झिल्ली को तोड़ तो देंगे, लेकिन इससे मालूम हो जाएगा कि लड़की कवारी नहीं है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी सेम है कि इस आदत से शहवत बढ़ जाएगी और फिर लड़की किसी लड़के के साथ सेक्स करने से नहीं घबराएगी। लिहाजा फिंगरिंग और ट्वाइस वगैरह इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अब ऐसी लड़कियों की क्या पहचान है जो फिंगरिंग करती हैं? तो सबसे पहले तो ऐसे शहवत करने वाली लड़कियां लिकोरिया का शिकार हो जाती हैं। इनकी शर्मगाह के नीचे शलवार हमेशा गीली रहती है। दूसरा, इनकी शर्मगाह से पानी बहने की वजह से इनका चेहरा इंतहाई थकावट वाला और मुरझाया हुआ होगा, जिससे मालूम हो जाता है कि लड़की गलत हरकतों में मुलव्वस है। तीसरा ये कि ऐसी लड़कियां वल्गर ज़बान यानी गंदी ज़बान इस्तेमाल कर सकती हैं, ज़्यादा तन्हा रहती हैं या फिर वॉशरूम में या नहाते वक्त बहुत ज़्यादा वक्त लगाती हैं। फिंगरिंग आज के ज़माने में आम सी बात हो गई है, क्योंकि इंटरनेट और पोर्न वीडियोस तक रसाई आम हो चुकी है। कोई भी कहीं भी गलत चीज़ें देख लेता है तो इसका आदि बन जाता है। नई नस्ल को इससे बचाने की कोशिश करें, क्योंकि 16 साल की उम्र से पहले इसको मोबाइल लेकर ना दें। अगर वो ले लेते हैं तो इनके इस्तेमाल पर नज़र रखें और इनको तन्हाई में मोबाइल इस्तेमाल करने की बिल्कुल इजाज़त ना दें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट डॉक्टर आलिया आहद को। अल्लाह हाफिज़।